सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको कक्षा नौवीं का विज्ञान के चौथा अध्याय पढ़ेंगे। गति, मोशन, गति है। जब भी कोई वस्तु चलती है या हम ही आप सब चलते हैं, तो किसी एक चाल से देख से चलते होंगे। सबका चलना, किसी भी जीव का, सजीव का चलना गति कहलाता है। गति में कुछ शब्द हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। अदिश राशि, अदिश राशि को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को व्यक्त करने के लिए जब केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, ऐसी राशियों को अदिश राशि कहा जाता है। उदाहरण चाल है, दूरी है, द्रव्यमान है आदि। अर्थात की वो राशियां हैं जिनमें हमें केवल अंकों की जरूरत है कि दूरी चाल कितनी है, कितने किलोमीटर गए, ये दूरी कितनी है वो भी किलोमीटर में है, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, द्रव्यमान कितना है, 2 किलोग्राम है, 5-10 किलोग्राम है, इसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब आप बात करते हैं सदिश राशि की। सदिश राशि को अंग्रेजी में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु को के विस्थापन को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, वेग, संवेग आदि। यहाँ बल लगाया गया तो किस दिशा में लगाया गया और कितना बल लगाया गया, वेग, वेग कितना है और किस दिशा की ओर लग रहा है, ये सब इनमें दिशा की भी जरूरत है, साथ ही साथ परिमाण अर्थात अंकीय मानों की भी जरूरत है। अब बात करते हैं वेग की। तो वेग क्या है? किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं त्वरण। इसको अंग्रेजी में एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन क्या है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो कितने समयांतराल में हो रहा है, इसको त्वरण कहते हैं। इसको और भी एक इसका फॉर्मूला है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो आप लोग जानते हैं कोई भी वस्तु जब चलती है विरामावस्था है तो प्रारंभिक उसका वेग क्या होता है, यू होता है। अब जब कोई वस्तु चलेगी टी समयांतराल में वो कितना वेग हो जाएगा उसका, उसका वेग बढ़ेगा, वो हो जाएगा वी। जब ये यू वेग से चल करके टी समयांतराल में वेग उस वस्तु का वी हो जाता है तो त्वरण एक्सीलरेशन उसका क्या होगा, जो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे और समय से भाग देने पर जो भी फॉर्मूला हमारा बनता है वो त्वरण हो जाएगा। तो त्वरण बराबर ए, ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी, ये आपके त्वरण का फॉर्मूला हो गया। यहाँ यू क्या है, ये प्रारंभिक वेग है, बी क्या है अंतिम वेग और टी समयांतराल। तो त्वरण है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इनके आगे की चीज आगे की वीडियो पर ऊपर वाला।